श्लोक महला पहला भैरच पौं वह सदवाओ भैरच चले लख दरियाओ भैचे अगन कढ़े गार भैच धरती दबी भार भैच इंद फिरे सिर भार भैच राजा धर्म द्वार भैच सूरज भैच चंद कोह करोणी चलत न अंत भैच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ भैच आडाने आकाश भैच जो दे महाबल सूर भैच आवे जावे पूर सगलियां भौ लिखियां सिरलेख नाम के निर्भो निरंकार सच एक। आसा दीवार का एक पावन पवित्र श्लोक जो गुरु नानक देव जी महाराज ने चौथी पौड़ी दे नाल जोड़े है, जिस विच सतगुरु देव जी महाराज ने यह फरमान किया है कि भय मनुख की एक लोड़ है, भय प्रभु की एक देन है। मनुख जिस भय ने पैदा करता है वो एक रोग है, ईश्वर जो एक भय देता है वो सुरक्षा है। मनुख जिस भय नू पैदा करता है वो पीड़ा है, वो बोझ है, वो तनाव है। पर ईश्वर जिस भय नू देता है वो प्रफुल्लता है, खेड़ा है, खुशी है। जिथे मनुख दा पैदा कीता होया स्वयं इजाद कीता होया भय हिरदे नू मैला करदा है, उथे प्रभु दा भय हिरदे नू शुद्ध कर देंदा है। भय पईए तन चीन होए लोभ रत विचों जाए ज्यों वै संतर धात शुद्ध होए त्यों हर का भौ दुरमत मैल गवाए। प्रभु दा भय अकाल पुरख दा भय मनुख दी तमाम दुरमति नू सार देंदा है, मनुख दे तमाम माड़े इशारा नू छीन कर देंदा है, खत्म कर देंदा है। इस वास्ते भय मनुख दी इक लोड़ है, ते भय नाल ही वस्तु दी ते हस्ती दी होंद है। ए ईश्वरी भय एक पासे कर देंगे मनुख दियां खुशियां, मनुख दा आनंद, मनुख दा खेड़ा सारा नष्ट हो जाएगा। भय विच पावन रहे सदवाओ, हम सतगुरु देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक विच प्रमाण करते हैं कि जिथे परमात्मा व्यापक है उसका भय भी व्यापक है और उसके भय विच सारे ने। यह भय सूक्ष्म रूप विच अस्थूल रूप विच सारे कबूलते ने और सारे भय दे विच ने, ते सारे नूं भय तो बाहर कढ़ना बहुत औखी गल है। सतगुरु देव जी महाराज सम्मान करते हैं यह जी पवन है जो हर वक्त चल रही है, वग रही है प्रभु दे भय विच है। ते आप मुहारे नहीं वग रहे, इनू वगाण वाला कोई है, इनू चलाण वाला कोई है। अगर ये आप मुहारे होवे तो पवन तो भी बथेरियां बर्बादियां हो सकती, तबाहियां हो सकती। असी कभी कभी देखते हैं कि ईश्वर कदी कदी पवन नू बेमुहारा कर देंदा है, ते जैसे पवन नू बेमुहारा करदा है पवन तूफान दी शक्ल अख्तियार कर अनेकां तबाहियां नू जन्म देंदी है, अनेकां बर्बादियां नू जन्म देंदी है। सो साहिब कहिंदे ने ए भय विच वग रही है, चल रही है, भय विच चल ले लख दरिया। पृथ्वी देते ए जो लखां नदी नाले दरिया चल रहे ने, सतगुरु देव जी महाराज कहिंदे ने इह सारे दे सारे प्रभु भय विच चल रहे ने। बाबे फरीद दी जिंदगी दी इक गाथा है जो उन्हां दे श्लोक विच बकायदा अंकत है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे, कि दरिया सिंह
एक दफा तो ग्यानी पे आया, पूरे हड़ पे आया, ते उन्हें शहर नू ढा लानी शुरू कर दी। बाबे फरीद दा भी अस्थान दरिया सिंध दे किनारे सारे कस्बे वासी आके फरियाद करते ने बाबे फरीद नू, जिस ढंग नाल ए दरिया चढ़े है, ते जिस ढंग नाल इसने ढाल आई है, इस ढंग नाल ते साडा शहर बचना बड़ी औखी गल है, ते थोड़ा डेरा भी बचना बहुत औखी गल है। बाबा फरीद दरिया सिंह दे कंडे आके खड़े हुए, ओदियां उछल दियां लहरां नूं वेख रहे, ओ हड़ ते आया है, बेमुहारे है, ऐसा आपनूं प्रतीत होया है। आप कहंदे ने फरीदा कंधी वह न ढाए, तू भी लेखा देवना ऐ दरिया, एक किनारे ना ढा, तबाइयां ना लिया, बर्बादियां नूं जन्म ना दे, तैनू भी लेखा देना पेगा। इतनी गल आखण दी देर सी दरिया पहले नालों भी ज्यादा हड़ते आ गया, पानी वध गया, ढा पहले नालों भी जोर दी लग गई, ता आप दे हाथ जुड़ गए, आपने सिर झुकाया, ते आप दे मुंह ए बोल निकले, कंदी वैन न ढाए, तू भी लेखा देवना फरीदा, जिधर रब रजाए वैन ते दाऊ गाऊ करे। दरसले ते रब दी रजा विच चल रहे, ते रब दे पै विच चल रहे, जिधर रब चला रहे है ये उधर चल रहे है, ये ढा भी रब की रजा विच लगी हुई है। इस वास्ते रब की रजा विच सारे राजी हो, सारे मस्तक झुकाओ, सारे दुआ करो, सारे हाथ जोड़ो, हे अकाल पुरख, हे रब, हे खुदा, जो तेरी रजा असी उस विच राजी। किन ऐसी दुआ कर दिया दरिया अपने सीमत दायरे विच वगण लग पिया। ये साखी ते सलोक इस गल दा सबूत मुहैया करदा है कि सब कुछ मर्यादा दे चाहे ते प्रभु भय दे चाहे। साहिब कहिंदे ने अनंत दरिया ए लखां नदी नाले सब भय विच चल रहे ने, भय विच अगन कड़े वेगा। ये जो अग्नि सेवा कर रही है तरह तरह की अजोके युग विच, ते अगन दी बहुत वड्डी सेवा है। रेलां मोटरां गड्डियां अग दे आसरे ते चल रही ने, और इस तो इलावा बड़े बड़े कारखाने अग दा ही इस्तेमाल कर रहे ने। मनुख दे शरीर विच पाचन शक्ति ते जिंदगी देण दा काम अग कर रही है। अग बहु पक्की सेवा विच जुटी हुई है। साहिब कहिंदे ने इह वी पै विच है, अगर मर्यादा च ना होवे, पै विच ना होवे, ते ऐसा भी हो सकता है अग ठंडी हो सकती है। अग सेक देने की थां ते ठंड देने लग पवे, ते जे अग ठंड देने लग पवे तो अग अग ही ना रही, अग की जो सेवा है वह सेवा ही ना रही। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहते हैं इतने जो अग्नि है ये भी प्रभु दे भय विच चल रही है। कहने कबीर दे घर नू जद अग लगी, ते घर सारा जल के खाक होया, खड्डी भी जल गई, कपड़े भी जल गए, साजो समान सारा जद घर दा जलिया, ते आप कहंदे ने आपे पावक आपे पवना जारे खसम हर आखे कवना। हे खसम, अज तू मेरे घर विच आया है अग दे रूप विच, अज तू मेरे घर विच आया है पवन दे रूप विच, ते जद तू ही मेरा घर साड़ना है ते बचाएगा कौन। जब तू ही अग है ते मेरे घर नू लगी है, हे प्रभु हुण होर कौन रखवाला होवेगा, हुण होर कौन बचावेगा। अग देखी अकाल पुरख दा रूप वेखना, भाव उदी रजा वेखना, उदा हुक्म वेखना, अग नू भी प्रभु दी मर्यादा दे च वेखना, ए भगतां दी इक दृष्टि हुंदी है, ए भगतां दी इक सोचनी हुंदी है। तो सतगुरु देव जी महाराज कहिंदे पै विच अगन कड़े वेगार, पै विच धरती दबी भार, अनेकां तरह दे भार दे थले दबी ए धरती।
जिदे ते पहाड़ ने, दरिया ने, दरख्त ने, पशु पंछी ने, मनुख ने, अनेकां तरह दा बोझ लेके जो ए धरती दबी हुई खड़ी है, सतगुरुदेव जी कहने ए भी फायदे च, ए भी किसे मर्यादा च, ए बेमर्यादा नहीं, ए प्रभु दे भय तो बिना नहीं। अगां चल के आप फरमान कर दें, भय विच इंद्र फिरे सिर भार, भय विच राजा धर्म द्वार, भय विच इंद्र फिरे सिर भार, इंद्र बदल जो सिर दे उपर मंडला रहे ने। इस्लाम विच पानी दे देवते नु ख्वाजा खिजर कहंदे ने, साडे देश विच इंद्र कहंदे ने, बदल उपर मंडला रहे ने, साहिब कहंदे ए वी पै दे च किसे मर्यादा दे च, उपर मंडलांदे पै ने ते फिर बरसदे पै ने। ਇਹ ਜੋ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਭੈ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੈ ਐਸਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜੜ ਚੇਤਨ ਉਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਸਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਭੈ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਪਿਆ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਵੀ ਭੈ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋਹੋ ਕਰੋੜਵੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅਨੰਤ, ਜੋ ਅਨੰਤ ਕੋ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ ਇਤਿਆਦਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਨ ਬਲ ਸੂਰ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੋਧਾ ਹੈ, ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ, ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰੀਏ, ਡਰ ਵਿਹੂਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਗਲ ਸਮੇਗਰੀ ਡਰੇ ਵਿਆਪੀ, ਬਿਨ ਡਰ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ, ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਭਗਤਨ ਕਾ ਸੰਗੀ, ਭਗਤ ਸੁਣੇ ਦਰਬਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਯੋਧੇ, ਇਹ ਮਹਾਬਲੀ, ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਚ ਨੇ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਜੋ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਜਨਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜੋ ਮਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੈ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭੈ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਧਰੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਭੈ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਮੇਰਾ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਭੈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਮੇਰੀ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੋ ਭੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਭੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਤਨਾ ਖਾਵੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਭੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਾਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਭੈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਦਾਚਾਰੀ ਹੈ, ਭੈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੰਜਮੀ ਹੈ, ਭੈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ, ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਆਂਤਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹਿ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਨ, ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅਨੰਤ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਬੁੱਧ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਥ ਬਣਿਆ। ਰੱਬੀ ਭੈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਥ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੁੱਧ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ।
बुद्ध प्राप्त होंगी है अपने आप न मर्यादा विच रख के प्रभु भय निमन के और इसे तरीके नाल आत्म प्रकाश का चानना हो जाता है, दीवा जल जाता है, मनुख देवता बन जाता है। पर बन का ढंग है प्रभु का भय, कोई नाथ बन जाता है, भाव अपने जीवन नु नथ पा लैंदा है, सारिया इंद्रिया नु नथ पा लैंदा है, नाथ बन जाता है। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਤਨੀ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਗਾਣੇ ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਜੋ ਤਣੇ ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਭੈ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਤਨੇ सूरमे ने महाबली ने भय देखने ते सारे जीवों के सिर देते भय का लेख बकायदा तौर पर लिखा हुआ है। कोई ऐसा जीव नहीं जिदे मत्थे देते भय का लेख लिखा हुआ नहीं, आखिर कोई ऐसा भी है जिदे मत्थे ते ना हो। तो महाराज कहने हां, सगलिया भाव लिखिया सिर लेख, नानक निर्भव निरंकार सच एक। महाराज कहने निर्भव भय तो रहत ते केवल ओ ही है जेड़ा आकार तो रहत है, और केवल कोई इको एक परिपूर्ण परमात्मा है जो आकार तो रहत है, भय तो रहत है। जब कोई प्रभु दा भय मन लेंदा है तो फिर संसार विच निर्भय हो जाता है, ते प्रभु का भय उसनु शुद्ध कर देता है, प्रभु का भय उसनु निर्मल कर देता है, प्रभु का भय आत्मिक आनंद तक ले जाता है। इस वास्ते प्रभु का भय मनुख मात्र दी एक लोड़ है, एक सुरक्षा है और एक बहुत वड्डी दात है जो जीवन की झोली च परिपूर्ण परमात्मा ने पाके रखी है। मौत का भय है, पशु पंखी कीड़े मकोड़े अपने आप नूं सुरक्षित थां ते ले जांदे ने, अपने आप नूं बचाने की कोशिश करते ने। यह भय जो सारे विच ना होवे तां ना कोई अपनी तन की हिफाजत करे ते ना ही कोई अपने मन की हिफाजत करे। तो भय आंतरिक सुरक्षा है, बैरूनी सुरक्षा है। दूसरा श्लोक साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का, नानक निर्भव निरंकार और केते राम रवा। निर्भव ते केवल निरंकार है, आकार तो रहत जो परिपूर्ण परमात्मा है। होर कितने राम इत्यादिक जो कहे जाने ओ ते रवाल ने, प्रभु दे चरणा दी खाक ने, भाव ईश्वर दे सामने कुछ भी नहीं है। ये ईश्वर दी कृत ने, ये जगत दे करता नहीं, ये ईश्वर दी कृत है। तो सैकड़न होर केते राम रवाल, रवाल कहने खाक न, होर कितने ही राम प्रभु दे चरणा दी खाक ने। केतियां कन कहानियां, केते वेद विचार, कितने कृष्ण जी दियां गल्लां आखियां जांदियां ने, कथावां आखियां जांदियां ने, कितने ही वेद विचारक ने, साहिब कहिंदे ने सब भय दे च ने, सारी परमात्मा दे भय दे च ने। केते नचे मंगते गुरु मेरे पूरे ताल, कितने ही ऐसे नृतकार ने, नचते ने, टपते ने ताल विच, पर उन्होंने अंदर भाव एक ही काम करता है, जगत दे पदार्थ की मंग। उन्होंने नचना, उन्होंने टपना, उन्होंने ताल का पूरना केवल दुनियावी मंग से खड़ा है। अगाम चल के आप कहने बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार, इस तरह के जेड़े नाटककार ने, नचण वाले ने, मंते ने, बाजार विच आके तमाशा करदे ने और तरह तरह के कौतक उस जगत नूं विखांदे ने, और कौतक विखांदे आया कुछ गाउंदे ने, की गाउंदे ने, गावे राजे राणियां बोले आल पताल। गांदे ने राजे राणियां दे किस्से, गीत गांदे ने, महिमा गायन करदे ने राजियां दियां राणियां दियां, और बोले आल पताल ऐसा बोल देने कि जैसे पाताल तो आवाज आ रही होवे, आकाश को आवाज आ रही होवे, भाव समझ तो परे दी गल। ऐसे बोल बोल देने जो समझ दे नहीं आंदे, गीत गाउंदे ने उन्हां दे जो हो गुजरे राजे ने, हो गुजरियां राणियां ने, लख टकियां के मुंदड़े, लख टकियां के हार, नचन लगियां वो अपने तन नूं सवार देने बड़े बेशकीमत गहने नाल।
बड़े सुंदर कपड़े पहनते ने, बहुत सोहने गहने पहनते ने, राजियां दी नकल करते ने, राणियां दा रूप धारण करते ने, तरह तरह के गीत गाते ने, अपने आप नु इस ढंग नाल सवार के। पर साहिब ने जित तन पाईए नानका से तन हो वै छा। जिस तन देते सुंदर कपड़े पाए जाते ने, सोने गहने सजाए जाते ने, तन नु खूबसूरत बनाया जाता है, अंत देच तन छार हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। ज्ञान गली लुमड़ी कथना करड़ा सा। ज्ञान नचन टप्पण नाल थोड़ी मिलता है, ज्ञान राजे राणियां दे गीत सुनाण नाल थोड़ी मिलता है। साहिब कहिंदे तरह तरह के नाटक और तरह तरह के रास इत्यादि दिखाने और इस तरह का नचना ते टप्पना, इहदे नाल प्रभु का ज्ञान प्राप्त नहीं होंदा। इस तरह दीआं गल्लां दे नाल, इस तरह दे गीतां दे नाल ईश्वर दा ज्ञान प्राप्त नहीं हुंदा। ज्ञान ना गल्लई ढूंढी है, ज्ञान इन्हां गल्लां दे नाल प्राप्त नहीं हुंदा। अनुभव प्रकाश, अनुभवी ज्ञान ईश्वर दा कथना करना सार फिर कैसे प्राप्त हुंदा है? महाराज कहिंदे एक कथन करना इतना औखा है जिवें लोहे नूं दंदां नाल चबाना होवे। जैसे लोहे नो दंदा नाल चबाना अत्यंत कठिन है, इन्हें प्रभु दा ज्ञान जबान दे नाल पूर्ण तौर ते कथन करना औखा है। करम मिले ता पाइए और हिकमत हुकम खुआ। जे बख्शिश होवे उस अकाल पुरख दी, जे रहमत होवे उस परिपूर्ण परमात्मा दी, ता प्राप्त हो जांदा है। मनुख दीआं होर सारीआं सियाणपां, मनुख दीआं होर सारीआं चतराईआं ख्वारी नूं ही जन्म देंदियां ने। इतनी गल स्पष्ट है कि परमात्मा प्रसाद नाल मिलदा है, प्रयास नाल नहीं। धन प्रयास नाल मिलदा है, प्रसाद नाल नहीं। धर्म प्रसाद नाल मिलदा है, प्रयास नाल नहीं। पदार्थ प्रयास नाल मिलदा है, प्रसाद नाल नहीं। परमात्मा प्रसाद नाल मिलदा है, प्रयास नाल नहीं। दरअसल परमात्मा का मिलना एक प्रसाद है, ईश्वर का मिलना एक प्रसाद है। अज तक दे ब्रह्म ज्ञानियों ने ऐसा ही आख्या है कि तू मिलिया सानू साडे प्रयास करके नहीं, तेरा प्रसाद, तेरी बख्शिश, तेरी रहमत। इस वास्ते धार्मिक दुनिया में प्रयास की महिमा नहीं, प्रसाद की महिमा है। हां पदार्थ की दुनिया में प्रयास की गल है, मुशक्कत की गल है, मेहनत की गल है, पुरुषार्थ की गल है, पर धार्मिक दुनिया में प्रसाद की गल है। इस वास्ते उस सत्संग नूं जिथे कथा कीर्तन हो गए लाजमी कुछ ना कुछ प्रसाद वंडिया जांदा है, जो मिष्ठान हुंदा है, मिठा हुंदा है। दरअसल एक इशारा है, एक प्रतीक सुनिया गया है कि प्रभु दा प्रसाद अत्यंत मिठा है, कि प्रभु ते प्रसाद है, उदा कोई मुल नहीं, उदी बख्शिश है। सड़े कीते कर्म, सड़े कीती तपस्या, सड़े कीती मेहनत, उसका मुल नहीं है। वो जो मिले है ते उसका प्रसाद है, पर मेहनत कर करके तपस्या कर करके ये पता चलता है कि प्रभु प्रयास नाल नहीं मिलता, प्रसाद नाल मिलता है। इस वास्ते साहिब कहिंदे ज्ञान उपरोक्त गल्लां दे नाल ते नहीं मिलेगा। कि किसे राजे दे गीत गा लै, किसे धार्मिक राणियां दे गीत गा लै, नच लिया, टप लिया, रास पेश कर छड़ी, इहदे नाल परमात्मा दा ज्ञान नहीं मिलेगा। किवें मिलेगा? कथना करना सार इते लोहे दे चने चबाने ने, भाव इस छोटी जिही जबान दे नाल पूर्ण परमात्मा दी गल आखनी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इते करम मिले तां पाईए और हिकमत हुकम खुआर। एक उसकी बख्शिश होवे ते ज्ञान अनुभव प्रकाश प्राप्त हो जांदा है, और सारियां हिकमतां और सारियां जिहड़ियां चतराईयां ने ख्वारी नूं जन्म देंदियां ने, दुख नूं जन्म देंदियां ने। पौड़ी नगर करे जे अपनी ता नगरी सतगुरु पाया, एहो जिहो बहुते जन्म भरमिया ता सतगुरु सबद सुनाया। सतगुरु जे वडदाता को नहीं सब सुनियो लोक सलाया, सतगुरु मिलिए सच पाया जिन्नी विचो आप गवाया। जिन्नी सचो सच बुझाया
इस पौड़ी विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज समान कर रहे ने जे ओ अपनी बख्शिश करे रहमत करे ते उसकी सब तो वड्डी रहमत दा सदका बहुत वड्डी प्राप्ति होंगी किसकी सतगुरु दी कोई सतगुरु मिल पैंदा है ज्ञान मिल पैंदा है सत दा प्रकाश मिल पैंदा है ते सब तो वड्डी बख्शिश है और ये सब तो वड्डी प्राप्ति है इहो जी बहुते जन्म भर में आ सतगुर शब्द सुनाया बहुत जन्म तक जीव भटकदा रहा जमदा रहा मरदा रहा आखिर इस जन्म मरण दे गेड़े पै रहे जीव लेते प्रभु की बख्शिश होई कढ़िए इस गेड़े दे कढ़िए इस चक्कर देखो ताकि सतगुर का मिलाप करा दिता ते सतगुर तो फिर बोल सुने ता सतगुर शब्द सुनाया ता फिर सतगुर का शब्द सुनिया सतगुर की विचार सुनी सतगुर के बोल सुने सतगुर मिलिए सच पाया जिन्हें विचों आप गवाया साहब के ने जैसे सतगुर का शब्द सुनिया एक तो बोध होया कि असि बहुत जन्म तक भटक दे रहे सतगुर का शब्द पहला बोध यही करांगा क्योंकि जैसे सतगुर का मिलाप होंदा है ता यह बोध होंदा है कि बहुत जन्म भटक दे रहे हैं सतगुरु का शब्द जब सुनिया तो फिर दूजा बोध यह होया कि सतगुरु जेवड़ दाता को नहीं सब सुनियो लोक सवाया हे जगत के सारे लोकी सुनो सतगुरु तो वड्डा होर कोई दाता नहीं वो ज्ञान दाता है वो परमात्मा के प्रेम का दाता है वो परमात्मा के मार्ग का दाता है इस वास्ते कहने मां बाप जीवन देते ने मां बाप जन्म देते ने गुरु जीवन देता है मां बाप तन देते ने गुरु आत्म प्रकाश देता है मां बाप जिंदगी देते ने गुरु जिंदगी सफल करता है गुरु जिंदगी पूर्ण करता है तो इस तरीके नाल मां बाप नालों भी महान है गुरु और साडे देश के करीबन करीबन तमाम रिश्तियां विचों गुरु का रिश्ता सब तो उच्चा मनिया गया सब तो महान मनिया गया क्योंकि केवल जन्मदाता नहीं वो जिंदगी दाता है वो सिर्फ जिंदगी देंदा नहीं जिंदगी नू सफल करता है जिंदगी मिल गई तेरे काम भी अगर सफल नहीं होगी जन्म मिल गया तो जो जीवन की जांच नहीं आई तो ऐसा जन्म केड़े काम का तो गुरु की बहुत वड्डी ए बख्शिश है महाराज कहिंदे सतगुरु देवड़ दाता को नहीं सतगुरु जैसा होर कोई भी दाता नहीं ए जगत दे सारे लोग गौर नाल जो है सुन लो सतगुरु मिलिए सच पाया जिन्हें विचों आप गवाया सतगुरु दे मिलाप का सदका साधना करदे आया जिन्होंने अपने आप देखों आपा भाव गवा छड़िया अहंकार गवा छड़िया उन्होंने सच की प्राप्ति हो गई उन्होंने सच का मिलाप हो गया ते फिर सतगुरु ने जिन सचो सच बुझाया उन्हें ऐसी बूझ बुझा दी कि ये सच है ये सच है जीवन के हर पक्ष दे जीवन के हर पहलू दे सच नू वेखण की जाच आ गई सच नू मनन की समर्था मिल गई सच नाल जुड़न का ढंग आ गया संसार नू वेखना होर गल है संसार विच सच नू वेखना होर गल है पदार्थ नू वेखना होर गल है पदार्थ विच सच नू वेखना होर गल है बंदे नू वेखना होर गल है बंदे विच सच नू वेखना होर गल है सूरज चंद तारिया नू वेखना होर गल है सूरज चंद तारिया दी सच्चाई नू वेखना हकीकत नू वेखना सच नू वेखना होर गल है ते जिहनू संसार विच सच नू वेखण दी जांच आ गई दरअसल संसार विच रहिंदा होया निरंकार विच लीन हो गया उन्हें जीवन का मकसद हासिल कर लिया उसने अपनी जिंदगी सफल कर ली तो ये जी सब तो वड्डी दात है ये गुरु तो प्राप्त होती है अकाल पुरख की बख्शिश होई गुरु मिलता है गुरु की बख्शिश होई अकाल पुरख मिलता है इस वास्ते इंज कह लीए पूर्ण तौर पर खेल ते सारे का सारा ये परमात्मा का है अकाल पुरख का है पर फिर भी उसने विचोला बना रखे है उसकी जब बख्शिश होती है तो फिर गुरु मिलता है मनुखा तन मिलता है ये परमात्मा की बख्शिश है कि मनुखा तन का मिल जाना ये अकाल पुरख की बख्शिश है कि
के गुरु दा मिल जाना ये बहुत उसकी वड्डी बख्शिश है कि सत्संग दा मिल जाना ते गुरु दी ये बख्शिश है कि परमात्मा दा मिल जाना ईश्वर दा जो है मिल जाना जिन्हू गुरु मिले है उदे ते अकाल पुरख दी बख्शिश है पर जिन्हू ईश्वर मिले है उस दे गुरु की बख्शिश है उस दे गुरु की रहमत है। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहने इस वास्ते सतगुरु तो वड्डा होर कोई दाता नहीं क्यों कि परमात्मा ने ते गुरु मिलाया ते गुरु ने परमात्मा मिला दिता समुचे संसार का वड्डा दाता गुरु ने मिला दिता इस वास्ते गुरु तो वड्डा दाता होर कोई भी नहीं। इस कौड़ी विच गुरु की महिमा है ते साहिब कहिंदे गुरु का जिहड़ा ज्ञान है ये जिहड़ा हासिल करना है ते राजे राणियां दे गीत नाल नहीं किसी कहानियां दे नाल नहीं बल्कि एक महान साधना दे नाल गुरु का वचन मन के गुरु का शब्द सुन के उस सच नूं प्राप्त करना है और उस सच नाल जुड़ना है। श्लोक मल्ला पहला घड़ियां सबे गोपियां पहरे कन गोपाल गहने पौ पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल नानक मुसे ज्ञान विहुनी खाए गया जम काल। पंजी पौड़ी दे श्लोक जो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे उचारण किए हुए ने इहदे च आप रास मंडल का जिक्र करते हैं। साडे देश विच एक ऐसा दौर लंघे है और कुछ रूप उसके हुण भी मौजूद ने कि अवतारी पुरुषां दीआं रासां पा के लोगां नूं ज्ञान देण दी कोशिश करनी। पहली पौड़ी और इस तों पहले श्लोक सतगुरु कह आए ने कि ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार। ज्ञान गल्लां नाल नहीं प्राप्त हो सकता ज्ञान राजे राणियां दे गीत गायन नाल नहीं प्राप्त हो सकता ज्ञान नचण टप्पण दे नाल नहीं प्राप्त हो सकता बल्कि अकाल पुरख दे प्रसाद नाल प्राप्त होंदा है उहदी रहमत ते बख्शिश नाल प्राप्त होंदा है ते उसदी रहमत बख्शिश गुरु की बख्शिश द्वारा प्राप्त होंदी है। हुण इस श्लोक दे साहिब कहिंदे ने कि अगर वाकई रास दे राही ही ज्ञान लेना है रास नूं वेख के ही आनंद माणना है तां रास उस परमात्मा दी तरफों अठे पैर पै रही है अठे पैर रास लीला चल रही है। किथे चल रही है किहड़ी थां ते वेखण ते जाई है साहिब किसी विशेष थां ते जाण दी लोड़ नहीं रास लीला हर थां ते हो रही है हर वक्त हो रही है केवल वेखण वाली दृष्टि होवे। रास लीला विच श्री कृष्ण हुंदे ने गोपियां हुंदियां ने ग्वाले हुंदे ने और फिर साजिंदे हुंदे ने संगीत दीआं गुणां हुंदियां ने निरत हुंदा है। क्या यह सब कुछ हर थां ते मुयस्सर है क्या यह सब कुछ हर थां ते मौजूद है। गुरु नानक देव जी महाराज की अगमी सूझ बूझ आप कहने हर थां ते मौजूद है हर वक्त मौजूद है। घड़ियां सबे गोपियां पहर कन गोपाल दिन रात दियां सत घड़ियां मनिया जांदियां ने साहिब कहिंदे ने इह सत घड़ियां सत गोपियां ने ते जिहड़े दिन रात दे अठ पहर ने इह ग्वाले ने इह गुजर ने घड़ियां नच रही ने ग्वाले नच रहे ने दिन का पहला पैर आया नचदा टपदा लंघ गया दूजा पैर आ गया दूजा पैर शोर मचांदा लंघ गया दिन का तीजा पैर नृत्य करदा लंघ गया चौथा पैर फिर रात का पहला पैर ये पैर बार बार नचदियां टपदियां लंघ गए और नच के फिर उठे आ जाने। निरत की यह गल है कि नचदिया नचदिया दूर चले जाना फिर अपने खास थान से आ जाना ते पैर नचदे टपदे फिर उठे आ जाने फिर दिन का पहला पैर फिर दिन का दूजा पैर फिर दिन का तीजा पैर
फिर दिन का चौथा पैर, फिर रात का पहला पैर, नच टप के फिर दिन का पहला पैर, एक नाच हो रहा है। सत घड़िया गोपिया ने इना अठ पैर रूपी ग्वालिया दे नाल ओ भी नच रही ने। एक घड़ी गई, दूजी आई, दूजी घड़ी गई, तीजी आई, ते हर घड़ी देच अपने अपने ढंग दा नृत्य हो रहा है, हर पैर देच अपने अपने ढंग दा नाच हो रहा है। साहिब कहिंदे इस रास नूं वेखो ते सही जो प्रभु दी तरफों पै रही है, जो अकाल पुरख दी तरफों पै रही है। घड़ियां सबे गोपियां पहर कन गोपाल, गहने पौ पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार। इन्ना गोपिया ने ते इन्ना ग्वालिया ने गहने केड़े पाए ने? साहब कहिंदे गहने पौ पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार। चौमासा साडे देश दी प्रधान रुत, जद घड़िया ते पहर पानी दा गहना पहन लैंदियां, फिर विसाख जेठ हाड़ विच पवन प्रधान, जोर दी हवा, हनेरियां, तूफान। ए घड़ियां और ए पैर हवा दे गहने जो है बकायदा पहन लैंदियां ने। फिर ऐसी रुत कि अग्नि ही वरस रही है चारों पासे, अग ही अग, लू ही लू चल रही है। तो उस वक्त घड़ियां, उस वक्त पैर ये अग्नि दे गहने पहन लेने ने। तो किसे घड़ी विच गर्मी, किसे घड़ी विच बारिश, किसे घड़ी विच पवन दा तूफान, तूफानी वे, ये वक वक घड़ियां ते ग्वाले गहने पहनते रहते ने, गहनिया बदलते रहते ने। गहने पौ पानी वे संतर चंद सूरज अवतार। इस रास विच कृष्ण कौन है ते इस रास विच राधिका कौन है? राधा चंद्रमा है और सूरज श्री कृष्ण ने। रास लीला नु दरअसल कृष्ण लीला भी कहने ने। ते सारी लीला कृष्ण दे आले दुआले घूम रही है। महाराज कहते हैं चंद सूरज अवतार, ये जो सूरज है ये कृष्ण है। ते प्राकृतिक मंडल दिया ये सारिया रुत्तां, थित वार, ये घड़ियां, ये सूरज दे आले दुआले नचदियां ते टपदियां। ये सारा पसारा सूरज करके है। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते थे केते रेस। जैसे सारी लीला कृष्ण करके है, इस वास्ते उसनु कृष्ण लीला कहने ने। ये सारी लीला सूरज करके है। इस सूरज दा सूरज कोई होर महासूरज है, उस सूरज दा सूरज कोई होर महासूरज है। ते आखिर विच गल मुकदी है परमात्मा ते, सारी इस लीला दा मरकस केंद्र वो परिपूर्ण परमात्मा आप है। तो सूरज कृष्ण है, चंद्रमा राधिका है, सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल। ये सारी दी सारी धरती ते दा वर्तन वलेवा माल इत्यादक ये स्टेज है। इस देते ये नृत्य होंदा रहता है, इस देते ये नाच होंदा रहता है और जीव इस नाच नु वेख ले रहे ने। ये वर्तन वलेवा जो जीवा लई जंजाल है, ये स्टेज धरती जिस दे उते ये रास पै रही है, जिनू वेख वेख के जीव आनंद माण सकदे ने, छेड़ा लै सकदे ने। पर इस रास नु वेखण लई सूक्ष्म बिरती चाहीदी है, इस रास नु वेखण लई बारीक मत चाहीदी है। महाराज कहिंदे नानक मुसे ज्ञान वी होणी। इस तरह दी रास नु वेखण दा ज्ञान ना होना, उन्हां दा जीवन मुसिया जांदा है, भाव लुटिया जांदा है, बर्बाद हो जांदा है। खाए गया जमकाल, ते इस तरह दे जीवां नु आखर विच जमकाल खा जांदा है। ओ बार बार जन्म ते मरण दे चक्कर दे जो है पेंदे रहिंदे ने। तो साहिब कहिंदे मूल रूप दे ते परमात्मा दी तरफों ए अगम्मी रास चल रही है। सिर्फ वेखण वाली दृष्ट होवे, कोल ज्ञान होवे, ते हर थां ते हर वक्त रास पै रही है, रास लीला जो है चल रही है। पर यह रास लीला भी उन्हां नूं दिखाई देवेगी जिन्हां दे कोल सतगुरु दा ज्ञान है, जिन्हां दे उत्ते परमात्मा दी बख्शिश है। मल्ला पहला
वायन जेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड़ उड़ रावा चाठे पाए वेखे लोक हसे घर जाए रोटियां कारण पूरे ताल आप पछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निर्भव निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवे कर्म चढ़ाओ पिन्नी रहन जे नामन चाओ सिखी सिखिया गुरु विचार नदरी कर्म लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वरोले बहुत अनंग लाखू माधानिया अनगा पंखी भौंदिया लैन नसा सूए चार भवाइये जन नानक भौंदिया गणतन अंत बंधन बंद भवाइये सोए पहिए किरत नचे सब कोए नच नच हसे चले सिरोए उड़ न जाई सिद्ध न होए नचन कुदन मन का चाव नानक जिन मन भाव तिनामन भाव। सतगुरु देव जी महाराज इस अगम्य श्लोक रिच प्रमाण कर रहे हैं अगर वो परमात्मा की चलाई हुई रसाई हुई रास लीला नहीं दिखाई देती उस रस नहीं मिलता उदा बोध नहीं तो बाकी की जी रास लीला है वह की है उते है नचन कुदन मन का चा वह मनोरंजन है ज्ञान नहीं वह मनोरंजन है भक्ति नहीं वह मनोरंजन है प्रभु प्राप्ति का साधन नहीं वह केवल मन का परचावा है आत्मक आनंद नहीं। इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का जिहड़ा दौर सी आपने वहम तोमात रस्मो रिवाज मनोरंजन दे तरह तरह के जिहड़े साधन ने सारे भगती भाव ज्ञान ते ईश्वरी साधना विचों कढ दित्ते। आखिया ईश्वरी साधना मनोरंजन नहीं ईश्वरी साधना एक आनंद है। तो नचन कुदन मन का चाव नानक जिन मन भाव ते ना मन भाव महाराज कहने जिन्हां दे अंदर परमात्मा का भय है उन्हां दे अंदर फिर भाव है श्रद्धा है प्रेम है। बाकी ये जो है रास लीला चल रही है ये किस ढंग नाल चल रही है सतगुरु देव जी महाराज उसका तमाम चित्रण करते हैं। वायन चेले नचन गुर चेले के साज बजाते हैं कोई रबाब बजा रहा है सरंगी बजा रहा है मृदंग बजा रहा है तबला बजा रहा है किस तरह के जो नाल चेले ने उते साज पे बजाने गुरु नचदा पे है रासधारिया रास मंडली का जो मुखी है वह नचदा पे हूं गुरु नच रहे है ते चेले साज पे बजाते ने ऐसा रास लीला होंदा है। वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर बड़े सोहने ढंग पैर हिलाते ने सिर हिलाते ने आखिर निरत हथां का हिलाना पैरां दा हिलाना सिर दा हिलाना कमर इत्यादिक दा हिलाना शरीर दी जिहड़ी हरकत है इनू तरतीब विच दे दित्ती जाए तो फिर ये निरत बन जांदा है। तो सतगुरु देव जी महाराज कहिंदे ने ढंग नाल पैर हिलांदे ने सिर हिलांदे ने जोर दा नचदे ने ते जद जोर दे नाल पौटली पांदे ने तां उड़ उड़ रावा झाठे पाए जैसे नचदे ने ते उहनां दे चोले दी हवा दे नाल रावा रेत उड़ती है मिट्टी उड़ती है पुरानिया रासधारियां दा जिक्र सतगुरु देव जी महाराज अपने ढंग नाल जो है कर रहे हैं। वेखे लोग हसे घर जाए इस रास लीला नु वेख के लोकी घर जाके खिड़खिड़ा के हसते ने खुश होंदे ने वे सोना गीत सुन के आया सोना नाच वेख के आया बहुत अच्छा नाच होया। तो नाच बंदगी नहीं जगत दे गीत बंदगी नहीं रास लीला बंदगी नहीं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं मन का चाव है मन का परचावा है। तो जो रास मंडलियां ने उन्हां दे बारे साहिब कहते हैं रोटियां कारण पूरे ताल इन्हां दा ताल पूरना इन्हां दा नृत्य दिखाना प्रभु नाल जोड़ना नहीं रोटियां दी प्राप्ति है। इन्हां दा सारा ध्यान रोटी ते रास तालियां दी ये मनोबिरति अक्सर बहुत नीवी देखी गई है और रोटी की मंग जिस ढंग नाल करनगे और फिर रोटी रेच जो कुछ मंग करनगे उस तो स्पष्ट होंदा है कि सारी रास रोटी दे आले दुआले होंदी रही है। इष्ट ते रोटी सी परमात्मा ही रोटी सी और उस रोटी दे आले दुआले ये नृत्य होंदा रहा ये साज वजदे रहे और ये गुरु नचदा रहा।
साहिब कहना रोटियां कारण पूरे दाल आप पछाड़े धरती नाल खूब धरती दे नाल अपने आप नू पछाड़दे ने भाव लेट के भी नचदे ने खड़े होके भी नचदे ने इस तरह धरती दे अपने आप नू जो है पछाड़दे ने गावन गोपियां गावन गान गीत की गांदे ने गोपियां दे गीत गांदे ने कृष्ण दे गीत गांदे ने ग्वालिया दे गीत गांदे ने इस ढंग दी ए रासलीला चलदी है गावन सीता राजे राम रामलीला भी आउंदी है ओ भी रास पाई जांदी है सीता दे गीत गांदे ने राजे राम दे गीत गांदे ने महिमा गायन करदे ने इस ढंग नाल रास राम दी ते कृष्ण दी पेश करदे ने महाराज कहते निर्भव निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहां महाराज कहते वो जरा परिपूर्ण परमात्मा है उसे भय तो रहत है आकार तो रहत है उसका की आकार पेश करोगे उदा नाम सच्चा है ते जिदा कीता होया सारा जहान है सारे जहान नू जो नचा रहा है उनू नचाया नहीं जा सकता ए सतगुरु देव जी के पैर है कि वो सूरज चंद तारिया नू नचा रहा है वो जीवा नू नचा रहा है वो सारे जगत नू नचा रहा है धरती नच रही है सागर नच रहा है दरिया नच रहे हैं पवन नच रही है और सूरज चंद तारे नच रहे ने ते हुण कोई ये आखे कि असी परमात्मा दी रास पाके परमात्मा नू नचाना है ते जिस परमात्मा नू असी नचा सकदे आ ओ ते फिर साडे हत्थां दी खेड हो गया इस वास्ते साहिब कहिंदे ने नचण कुदण मन का चाओ नानक जिन मन भाओ ते ना मन भाओ तो महाराज कहिंदे ने गावन सीता राजे राम निर्भव निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान सेवक सेने कर्म चढ़ा जिन्हां दे बख्शिश होई है ऐसे सेवक सेवा कर देने की सेवा कर देने भिन्नी रैन जिना मन चाओ अमृत वेला है भिन्नी रात है मन विच चाओ पैदा हो गए उठिए सिर्फ शरीरक तल ते ही ना उठिए सुरत नू भी जगाइए सिर्फ शरीर करके ही प्रभु नाल ना जुड़िए सुरत नाल भी जो है जुड़िए महाराज कहन जिन्हां दे इस रंग दी बख्शिश है ओ सेवक इस रंग दी सेवा करदे ने कि अमृत वेले भिन्नी जद रात है उठदे ने मन विच बड़ा भारी चाव है सिखी सिखिया गुरु विचार गुरु दी विचार गुरु दी सिखिया नू सिख के बकायदा हिरदे दे जो है धारण करदे ने अमृत वेले उठ के प्रभु दी बंदगी करदे ने ऐसे जड़े सिख ने ऐसे जड़े भगत ने नदरी कर्म लंघाए पार इन्हां दे उत्ते प्रभु दी नजर हो जांदी है मेहर हो जांदी है ते परमात्मा इन्हां नू भाव सागर तो पार लंघा देंदा है संसार सागर तो पार कर देंदा है ते बाकी आखो नचण नाल गल बनेगी तो महाराज कहिंदे जगत विच बहुत कुछ नच रहा है कौन कौन नच रहे ने कोलू चरखा चक्की चक चक्की नच रही है चरखा नच रहा है कोलू नच रहा है थल वरोले बहुत आनंद मरु थलां विच वाह वरोले जेड़े ने वो नच रहे पे ने अक्सर देखने दे चाहूंगा वाह वरोला मरु थल विच रेत नचन लग पैंदी उस वावरोले दे और रेत नचदी नचदी उपर उठ जाती है महाराज कहते मरु थला ये वावरोले पे नचते ने लाटू मधानिया अनदा मधानिया नच रही ने लाटू नच रहे है बच्चे नचांदे पे ने मधानियां नच रही ने मटकी रे अन्न गा अन्न नू जिहड़ा गाया जांदा है अन्न विच जिहड़ा दाणा कढ़िया जांदा है उहदे ते पशु नचदे पे ने बार बार बोहटली पै लैंदे ने बैल महाराज कहिंदे मैं इंज देखदा पिया इह नाच चारों पासे अपने ढंग नाल जो है जारी है पंखी भौंदिया लैन ना सा सा भी नहीं लैंदे इह पंखी पिल्ला नचदिया पिया ने आकाश विच तोते नच रहे ने चिड़िया नच रही ने बार बार एक घेरा दायरा बना के उहदे च निरत चल रहे है कूंजां दा कौवियां दा और अनेकां पंछियां दीआं डारियां दा साहिब कहिंदे मैं देखदा पिया इस ढंग नाल पक्षी जगत भी अपने ढंग नाल नचदा पिया है सूए चाल भवाइए जन
बुलबुल इत्यादिक नु या तोते ने पेटी दे धागा बन के सूती ते रख के वो आया जांदा है। शिकारी लोग ऐसा कर दे ने महाराज कन तरह तरह दे जीवन पेटी बन के तागा बन के ते सूती ते रख के नचाया जांदा है, वो आया जांदा है। महाराज कन इस ढंग नाल मैं देखदा पिया नानक भौंदियां गणत न अंत, इतना नाच हो रहा है कि अंत भी नहीं गिनती भी नहीं हो सकती। कौन कौन नच रहा है और कितना नृत्य हो रहा है ये सारे दा सारा बखान भी नहीं किया जा सकता। बंधन है बंध बवाए सोए साहेब है। गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने कर्मा दे बंधन दे बंधे हुए जी परिपूर्ण परमात्मा सारिया नू नचा रहे है। शरीर विच देखिए खून नच रहे है, बार बार नसा विच घूम रहे है, श्वास नच रहे ने बार बार चल रहे ने, दिल धड़क रहे है, दिल दा धड़कना दिल दा नाच है, बार बार धड़क रहे है, बार बार धड़क रहे है। इति चारों पासे नाच ही नाच हो रहे है। पर महाराज कहने कर्मा दे बंधना दे पै के ए जीव नच रहे ने पहिए किरत नचे सब कोय, किरत दे बंध है कर्म बंधन दे बद्धे हुए सारा जीव जगत तरह तरह दे नाच करदा पे है। महाराज कहते नच नच हसे चले से रो, जो नचदे नचदे हसदे ने या नाच वेखदे वेखदे हसदे ने आखिर रोंदे हुए जांदे ने। भाव जिन्हां दी जिंदगी दा मनोरंजन ये नाच गाना बन गया, संसार तो रुखसत होण लग्या रोंदे हुए जांदे ने। उन्हां नूं पता चलदा है ये बंदगी नहीं, ये परमात्मा दा ज्ञान नहीं, ये परम शांति नहीं। साहब कहना उड ना जाही सिद्ध ना हो, इन्हों की सुरत कोई उच्ची नहीं आती और ये कोई सिद्ध नहीं बन जाते। इस तरह के नाच वेखण वाले ते रास मंडलियां दे आले दुआले घूमण वाले इन्हों की कोई सुरत उच्ची नहीं हो जाती ते ना ही ये कोई सिद्ध बन जाते ने। नचण कुदण मन का चाव, ये तो एक मन का चाव है, मन का प्रचावा है, मनोरंजन है। नानक जिन मन भाव ते ना मन भाव, जिन्हां दे मन विच प्रभु दा भय है बस उन्हां दे अंदर ही भावना है, ते जिन्हां दे अंदर भावना है उन्हां कोल ही परमात्मा है, उन्हां कोल ही ईश्वर है। इन्हां दो श्लोकां दे नाल जो पौड़ी है वह यह है, नाम तेरा निरंकार है ना लईए नरक न जाइए, तेरी हस्ती है परिपूर्ण परमात्मा आकार तो रह है वजूद तो रह है। इना मोटिया अखा दे नाल तेरा आकार नहीं वेखिया जा सकता, ना लईए नरक न जाइए, पर तेरा नाम कोई उच्चारण करे ते नाम दा कोई आकार नहीं, नाम दा कोई रंग नहीं, नाम दा कोई रूप नहीं। कोई अपनी जबान पे तेरा नाम उचारण करे ते फिर नरकां विच नहीं जांदा, ओ जन्म मरण दा दुख नहीं भोजदा, उदी झोली विच कलेश ते पीड़ा नहीं पैंदी। साहिब कहने ऐसी तेरे नाम दी बरकत है, जीओ पिंड सब दिसदा देखा जे आख गवाईए, ए जीव ए शरीर सब उसदा है, जो कुछ असी खा रहे हैं पी रहे हैं सब उसदा है। पर जे आखिए नहीं साड़ी मेहनत है साड़ी मुशक्कत है, ते ऐसा अगर आखिए तां गवाईए, आख के असी अपना जीवन तत गवा बैठते हैं। जिहड़ा ऐसा आखे सब मेरी मेहनत है, आखने परम शांति गवा बैठेगा, जीवन नूं गवा बैठेगा, सब कुछ गवा बैठेगा। जे लोड़े चंगा आपना कर पुनो नीच सदाइए, ऐ बंदे जे जो चाहना है कि चंगियाइयां मेरी झोली च पैन, मेरे लिए सुख होवे, मेरे लिए आनंद होवे, मेरे लिए खेड़े ते खुशी आवन, जे ऐसा चाहना है तू ता पुन कर, ते पुन करदिया अपने आप नूं पुनीत ना सदावी नीच सदावी, अपने आप नूं पापी सदावी ते करी पुन। हुंदा अक्सर जगत विच उल्टा है कि अपने आप नूं लोकी पुनीत समझ जो है सदवांदे ने पर होंदे पापी ने। पर गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने कर तो पुन लेकिन सदवावी अपने आप नूं पापी। पुन्नी होण दा किधरे दावा ना करी, ज्ञानी होण दा दावा ना करी, दानी होण दा दावा ना करी, परोपकारी होण दा दावा ना करी। अगर ऐसा तू दावा कीता ते दावियां दे नाल ही तेरे पुन नाश हो जाणगे, दावियां दे नाल ही कीते हुए कर्म नाश हो जाणगे। एक जीवन दा ढंग दस्ते पैने, संसारियां दा ढंग है, पाप करदे जाओ
और पुनीत अखवांदे जाओ, बेईमानियां करदे जाओ और दानी होण दा जस लेंदे जाओ, दुराचार करदे जाओ और सदाचार होण दा माण लेंदे जाओ, लुटदे जाओ जगत नूं ते सेवा दा माण सन्मान लेंदे जाओ। महाराज कहने नहीं, कर पुन्हो नीच सदाइए, कर ते तू पुन लेकिन सदावी नीच, करी तू नेक कर्म लेकिन कोशिश तेरी ए होवे कि जगत तेनू नेक ना आखे। एक नेक आत्मा भगत कबीर जिदे रोम रोम विच नेकियां फुट लईआं ने, जिदे स्वास स्वास विच चंगियाईआं निकल लईआं ने, जिदे जिंदगी दे हर कर्म दे चों जगत नू कुछ मिल रहा है, जगत की झोली विच कुछ पै रहा है। ऐसा महान पुरुष कहिंदा है कबीर, सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोए, पर जिन ऐसा कर बूझया मीत हमारा सो। आप कहिंदे सारा जगत चंगा है, मैं ही बुरा। कर पुन्नो नीच सदाइए, करते तो पुन लेकिन अपने आप नो नीच सदवावी, पापी सदवावी। इस ढंग नाल तेरे पुन सुरक्षित रहेंगे, इस ढंग नाल तेरे पुन बचे रहेंगे। जे लोड़े चंगा अपना कर पुन्हो नीच सदाइए, जे जरवाणा पर हरे जर वेश करेंदी आईए। जे बुढ़ेपा आण लगे ते इनू परे सुटन की कोशिश ना करी, मनुख कोशिश कर देने। जे केस चिट्टे होण लगे ने, वाल चिट्टे होण लगे ने ते करो काले, बुढ़ेपे नू परे सुटना है। जे चेहरे ते झोलियां पैण लगियां ने ते इन्हां झोलियां नू मिटाण की कोशिश करो। गर्स के जिस जिस अंग तो बुढ़ेपा प्रगट होंदा है उस अंग नू सवारो। पर महाराज कहिंदे ने बुढ़ेपा कोई एक अंग ते थोड़ी प्रगट होंदा है, उते रोम रोम विचों प्रगट होंदा है, उते जीवन दे हर पहलू विचों प्रगट होंदा है। इस वास्ते अगर जरा अगर बुढ़ेपा आण लगे ते इनू खिड़े मत्थे कबूल कर ले, तस्लीम कर ले। बचपन प्रभु दी इक देन, जवानी परमात्मा दी इक बख्शिश, बुढ़ेपा भी उसकी इक दात। तू खिड़े मत्थे जीवन दिया वक वक अवस्थावां नू अपनी झोली विच पा। जैसे कोई खिड़े मत्थे अपना बचपना तस्लीम कर लैंदा है, बचपन निर्मल हो जांदा है। जैसे कोई जवानी नू परमात्मा दी दात समझदा है, जवानी बेदाग हो जांदी है। ते जैसे कोई बुढ़ेपे नू परमात्मा दी बख्शी समझदे, वैसे ही बुढ़ेपा सुरखरू हो जांदा है, वैसे ही बुढ़ेपा आनंद नाल भर जांदा है। पर जीवन दी जांच किसे किसे नू आउंदी है। अक्सर ते बंदा यही करदा है कि बुढ़ेपे नू रुखसत करां ते जवानी नू लियावां। जद कौन दसे तिन्ने उस दियां दातां ने, तू किस तरह लिया सकेगा, जवानी उसकी दात है, तू किस तरह बुढ़ेपे नू घरों कर सकेगा उसकी देन। जे जरवाणा पर हरे जर वेश करेंदी आई है, जर बुढ़ेपा ते तरह तरह के वेश धारण करके आवेगा। तू मुंह दे चों बुढ़ेपे नू कढ़न की कोशिश करेगा, वह पैरां दे राहीं प्रगट होगा। तू हत्थां दे चों बुढ़ेपे नू कढ़न की कोशिश करेगा, वह अखां दे प्रगट होगा। तू मत्थे चेहरे तो बुढ़ेपे नू एक पासे करेगा, वह तेरे बोलां दे प्रगट होगा। तेरे बोल ही दस देंगे तू बुढ़ा हो गया। बोलां दे चों भी बुढ़ेपा प्रगट होंदा है, उठण बैठण दे भी बुढ़ेपा प्रगट होंदा है। जे जरवाणा पर हरे जर वेश करेंगी आईए, को रहे न भरिए पाइए पाइए। एक दाने मिलन दा पैमाना है, टोपी पड़ोपा पाई। पुराने ये पैमाने ने जब दाने नू तोलिया घट जांदा सी ते मिणिया ज्यादा जांदा सी। जिस पैमाने च मिणिया जांदा सी सब तो वड्डा टोपा हुंदा सी, उस तो छोटी पड़ोपी हुंदी सी ते उस तो छोटी पाई हुंदी सी। साहिब कहिंदे ने इह शरीर दी पाई जिस दिन स्वासा नाल भर गई, पाओ स्वास पूरे हो गए, तब फिर इस नूं रखना बड़ा औखा हो जाएगा। जैसे पाई भर जांदी है दाणे नाल ते दाणे उंडेल के दूजे पासे सुट दिते जांदे ने, इह मिणन दा ढंग सी। इधर दाणे मिणे पाई विच पाए, पाई भर गई, पड़ोपी भर गई, टोपा भर गया ते परले पासे सुट दिते। इधर शरीर दे स्वास पूरे होए, इधर शरीर नूं परे पासे सुट दिता, एक पासे गिरा दिता। महाराज कहिंदे ने को रहे ना भरिए पाइए। जैसे जीवन दी पाई भर गई फिर उन्हूं रखना बहुत औखा हो जाएगा,
फिर जीवन नु रखना बहुत औखा हो जाएगा, फिर श्वासा नु रखना बहुत औखा हो जाएगा। पाई ने ते परे सुट देना है, इस पड़ोपी ने परे सुट देना है। आम ठेठ देहाती ते लोक भाषा का साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इत्थे प्रयोग किया है, क्योंकि आप समझते सन आलम फाजल भी मिलेंगे, देहाती भी मिलेंगे, ज्ञानी भी मिलेंगे, मूढ़ भी मिलेंगे। हर एक नूं अपने अपने ढंग नाल ते अपने अपने बोल चाल नाल गुरु नानक देव जी महाराज समझांदे जा रहे ने। इस पावन पवित्र श्लोक विच आप फरमान पाए करदे ने, जे शरीर दी पाई पर गई, श्वास पूरे हो गए, इन्हू फिर सुरक्षित रखना बचा के रखना औखा हो जाएगा। इस औड़ी दे साहिब कहिंदे निरंकार आकार तो रहत है, ते प्रभु दी बख्शिश द्वारा गुरु दी प्राप्ति होंदी है, ते गुरु दी बख्शिश द्वारा ज्ञान प्राप्त होंदा है, ते उस ज्ञान द्वारा निरंकार दी प्राप्ति होंदी है। मूल गल्लां सतगुरु देव जी महाराज ने पौड़ी ते श्लोक दे यही दसियां ने।